यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप्प so, सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कैपिटल गेन अब अपन चालू करने वाले हैं आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन सी इनकम जाती है जो इनकम सैलरी हेड हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन में नहीं आती वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की चार्जिंग सेक्शन होती है सेक्शन फिफ्टी सिक्स

इन्वेस्टमेंट है और उस पे कोई इंटरेस्ट मिलता है दट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट वो सिक्योरिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी उसके बाद अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है वो आपने किसी को भाड़े पे दिया और उसका जो रेंट मिलता है वो आई एफ ओस में जाएगा अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेंट पे देने का बिजनेस है तो, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है और वो अगर पीजीबीपी या सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता तो उस पर्टिकुलर केस में

फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है लोन पे इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट होता है और उसका जो रेंट आता है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है ओनर यू आर जस्ट सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी तो वॉट एवर रेंट यू रिसीव दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रॉयल्टी का इनकम है वो यहां टैक्सेबल होता है एग्रीकल्चर का इनकम एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में अगर इंडियन एग्रीकल्चर लैंड है

सबसे जो मेन पार्ट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में दैट इज द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो गिफ्ट का पैसा IFRS में टैक्सेबल होता है कैसे होता है क्या होता है उसमें एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो वो गिफ्ट आपके लिए हमेशा ध्यान रखना इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इवन इट इज रिस ऑन द ऑफ द मैरिज अगर भले वो मैरिज पे मिला है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिला है ड्यू टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप और एम्प्लॉयर क्या करेगा उसका खर्चा क्लेम करेगा तो एम्प्लॉय के हाथ में वो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी दूसरी चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको कोई भी गिफ्ट है बेनिफिट है परक्यूज ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन मिला है दैट इज ऑल टैक्सेबल अंडर दीजीबी ड्यू टू सेक्शन 28, 28 की वजह से टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाता है तो डेटर से कोई गिफ्ट मिला क्रेडिटर से कोई गिफ्ट मिला या फिर आपके वेंडर से वगैरह कोई भी गिफ्ट मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या चार्ट अकाउंटेंट को क्लाइंट से गिफ्ट मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी अब अगर कोई गिफ्ट वो दो ऊपर वाले हेड में नहीं जाता तो वो आई एफ में जा सकता है बट आई एफ में कैसे जाएगा क्या जाएगा वो आप समझने की कोशिश करना यहां पे एक सेक्शन होती है फिफ्टी सिक्स टू टेन करके और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन एग्जाम में एमसीक्यू एटलीस्ट आने का चांस इससे रहता है

क्या होगा कैसे होगा वो अपन समझते हैं तो सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो

अगर कोई पर्सन डेथ बेड पे है और अगर उसने क्या किया कि किसी को गिफ्ट कर दिया उसके बाद एच का मतलब अगर आपको किसी हॉस्पिटल से मिलता है यू का मतलब आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है टी का मतलब आपको किसी ट्रस्ट से मिलता है या ट्रस्ट को मिलता है करिए ठीक है और यहां पर एल ए का मतलब होता है आपको किसी लोकल ऑथोरिटी से मिलता है तो फिफ्टी नहीं लगेगा

56 लग जाएगा लेकिन अदरवाइज में अगर आप मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में नहीं आते तो वहां पे 56 -10 लगेगा कैसे लगेगा सबसे पहले अगर मान लो आपको मनी गिफ्ट में मिलता है मनी का मतलब होता है मनी गिफ्ट में मिलता है मनी का मतलब कैश बैंक चेक वो आपको गिफ्ट में मिलता है और अगर आपको एग्रीगेट मनी पूरे साल का मिला के नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट जैसे फॉर एनगाम्पल मुझे इंडिविजुअल इज नॉट मोर देन फिफ्टी बट एग्रीगेट इट एंड इट इज मोर देन फिफ्टी इज इट इज फुल्ली टैक्सेबल आंसर टोटल एटी थाउजेंड इज टैक्सेबल नॉट ओनली थर्टी थाउजेंड हियर टोटल एटी थाउजेंड

अगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है और एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड का किसी से शेयर मिला थर्टी थाउजेंड का मुझे ज्वेलरी मिला थर्टी थाउजेंड का मुझे क्रिप्टो करेंसी मिला टोटल इट इज अटी थाउजेंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन माई हैंड बट अगर मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता आप क्या करते हो कहीं से परचेस कर रहे हो बट आप लो कंसिडरेशन पे परचेस कर रहे हो आप ये 10 क्या कर रहे हो लो कंसिडरेशन एक्वायर करते हो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीगेट कंसिडरेशन है अगर उसका डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो आपके हाथ में डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तीसरा अगर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग वो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और वहां पे पर प्रॉपर्टी स्टैम ड्यूटी थाउजेंड इज फुल्ली टैक्सेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी लो कंसिडरेशन पे एक्वायर करते हो तो पर प्रॉपर्टी स्टेम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर देन फिफ्टी थाउजेंड एंड एस डी बी इज मोर देन वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन तो उस पर्टिकुलर केस में आपके हाथ में डिफरेंस है वो आया में टैक्सेबल हो जाएगा तो देखिए मैंने क्या बताया ये जो चार्ट है इसको मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा रहा हूं समझने की कोशिश करना देखो सबसे पहले ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2017 56210 लगेगा अगर कोई भी पर्सन है एनी पर्सन रिसीव और देखो क्या मिलता है सबसे पहले अगर आप मिस्टर आईटी हटला आईटीसी में आते हो तो ये सेक्शन लगेगी ही नहीं बट अगर आप मिस्टर आईटी IT हटला आईटीसी में नहीं आते हो अदरवाइज में तो क्या देखो तीन पार्ट फर्स्ट पार्ट इज अ मनी अगर आपको मनी मिला एंड एग्रीगेट मनी इज मोर देन 50000 इट इज फुल्ली टैक्सेबल दूसरा अगर आपको मूवेबल असेट मिलती है बट मूवेबल कवर्ड ओनली टेन असेट कौन कौन सी शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल ये सिर्फ 10 asset मिलती है अगर आपको फ्री में मिला एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल अगर आपको लो कंसिडरेशन पे मिलता है तो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस इज मोर डिफरेंटी थाउजेंड डिफरेंस इज टैक्सेबल अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पर प्रॉपर्टी

अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मनी के केस में यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया दैट इज द एग्रीगेट

फोर्टी थाउजेंड एसडीवी का प्लॉट मिल गया और फोर्टी थाउजेंड का मुझे घर मिल गया फ्री में गिफ्ट में क्या मुझे यहाँ पे टैक्सेबल होगा no, yes. हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी यहाँ पे एम का मतलब होता है ऑन द ऑकेजन ऑफ मैरिज आर का मतलब फ्रॉम द रिलेटिव बट क्वेश्चन ये आता है सर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा तो रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा तो देखो रिलेटिव की डेफिनेशन सिर्फ दो लोगों के दे लिए दे है एक तो इंडिविजुअल के लिए और एक एचयूएफ के लिए सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल है वो एस है वो रिलेटिव है तो उसके रिलेटिव में कौन कौन आएगा तो सबसे पहले उस इंडिविजुअल का ब्रदर सिस्टर एंड ब्रदर की स्पाउस एंड सिस्टर के स्पाउस मतलब ब्रदर की स्पाउस कौन होती है भैया भाभी और दीदी और जीजू उसके बाद में उस इंडिविजुअल के स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड उसके बाद इस स्पाउस का ब्रदर और ब्रदर की स्पाउस स्पाउस का ब्रदर मतलब साला करके ठीक है अगर मैं मान लो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो साला और साले की वाइफ करके और दूसरा स्पाउस की सिस्टर और उसके स्पाउस मतलब आपकी साली और साढ़ू भाई वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे उसके बाद इंडिविजुअल के मदर फादर है वो रिलेटिव रिलेटिव है है बट मदर मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके भी है। अगर आप यहां पे मदर को देखोगे तो मदर का ब्रदर मतलब मामा और मामी और मदर की सिस्टर मतलब आपकी मौसी और मोसाजी अगर आप फादर से देखोगे तो फादर का ब्रदर अंकल और आंटी और फादर की सिस्टर मतलब बुआ एंड फूफा जी उसके बाद उस इंडिविजुअल के लीनियर असेंडेंट एंड देयर स्पाउस मतलब दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी परनानी, दादा पर दादी नाना नानी ना अगर वो जिंदा है तो वो भी आपके रिलेटिव है उसके बाद उस इंडिविजुअल के स्पाउस के मदर एंड फादर में से आपके सास ससुर हो गए करके, ठीक है और अगर इंडिविजुअल के स्पाउस के जो लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस है वो भी रिलेटिव हो जाएंगे उसके बाद उस इंडिविजुअल और उसके स्पाउस के खुद के जो लीनियल डिसेंडेंट है और उनके स्पाउस है वो भी रिलेटिव होंगे लीनियल डिसेंडेंट मतलब मेरी बात करूं तो मेरा बेटा करके ठीक है मेरे बेटे की बीवी मतलब बहू वो मेरे रिलेटिव है मेरी बेटी और मेरी बेटी के हस्बैंड है वो रिलेटिव है उनके बच्चे होंगे वो भी रिलेटिव है दैट इज कॉल्ड लीनियल डिसेंडेंट अब एक चीज समझना यहाँ पे के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एच यूएफ़ है वो रिलेटिव माना जाएगा मीन एच यू एफ के लिए जो भी मेंबर रहेगा दैट मेंबर इज ट्रीटेड एज अ रिलेटिव एक और चीज समझना है यहां पे. कि सर क्या ऐसा जरूरी है कि अगर आपके लिए कोई पर्सन रिलेटिव है तो आप भी उसके लिए रिलेटिव आंसर इज नो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए मेरे अंकल रिलेटिव है बट अंकल के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूं मींस आई रिसिव एनीथिंग फ्रॉम द अंकल अगर मुझे अंकल से कुछ भी मिलता है तो वो एग्जेप्ट बट अंकल को मेरे से कुछ मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा क्योंकि एक बात बताइए अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे लिए ब्रदर मीस अंकल है वो मेरे रिलेटिव है बट अगर आप अंकल को यहाँ एस एस बनाते हो तो अंकल के लिए मेरे फादर तो रिलेटिव है बट फादर के बच्चे जो है वो मैं उनके लिए रिलेटिव नहीं हूँ तो फॉर मी माई अंकल इज रिलेटिव बट फॉर अंकल आई एम नॉ ए रेलेटिव सो एनीथिंग आई रिसीव फ्रॉम द अंल दैट इज टोटली एक्जेपेड बट अंकल रिसीड एनीथिंग फ्रॉ मी दट इज नॉट गोइंग टू बी

जोल ने कोई प्राइवेट रिलीजियन प्राइवेट ट्रस्ट बनाया कोई इंडिविजुअल है वो प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है और वो प्राइवेट ट्रस्ट है वो उसके इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए है तो वो प्राइवेट ट्रस्ट को जो मिलेगा दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल आई कैन टेक अ एग्जांपल मुकेश अंबानी ने क्या किया अगर नीता अंबानी को कोई गिफ्ट किया तो ऐसे भी टैक्स नहीं लगेगा बट मुकेश अंबानी ने एक ट्रस्ट बनाया जो कि नीता अंबानी के बेनिफिट के लिए है तो ट्रस्ट को कोई भी गिफ्ट देंगे मुकेश अंबानी दैट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल उसके बाद में आई आई वाला हो गया करके इंडिविजुअल ने किसी ट्रस्ट को दिया और ट्रस्ट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ दैट इंडिविजुअल उसके बाद टी का मतलब होता है देखिए यहां ऊपर क्या हुआ है अगर आपको फ्रॉम हॉस्पिटल मिला फ्रॉम यूनिवर्सिटी मिला करके ठीक है बट अगर मान लो बाय बाय हॉस्पिटल मिला यूनिवर्सिटी मिला तो तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा तो टेन ट्वेंटी थ्री सी में जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है देन आल्सो इट इज नॉट टैक्सेबल उसके बाद सी आता है ITC में सी का मतलब होता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर यू नो दैट कैपिटल गेन में कुछ ट्रांजेक्शन होते ट्रांसफर नहीं माने जाते उसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें अगर कोई एसेट मिलती है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा कहा क्लॉज है क्लॉज नंबर का पार्टीशन हो जाता है और एच यूफ के पार्टीशन पर अगर में को कोई भी असट मिलती है तो फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा उसके बाद क्लॉज नंबर फोर एंड क्लॉज नंबर फाइव क्लॉज नंबर फोर एंड फाइव होता है अगर हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को असट ट्रांसफर करती है सब्सिडी कंपनी है वो हंड्रेड परसेंट होल्डिंग कंपनी को असट

आप दिल्ली के रेजिडेंट है और दिल्ली के रेजिडेंट कहां पे है पता है दिल्ली में जो अनऑथोराइज कॉलोनी है

कि कंपनी का मैनेजमेंट है वो करप्ट हो जाता है और उसका जो मैनेजमेंट है वो फिर क्या करती है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है और फिर वो एनसीएलटी को ट्रांसफर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है नए डायरेक्टर अपॉइंट करती है और एनसीएलटी फिर क्या करती है वहां पर एक रिजोल्यूशन प्लान लाती है और रिजोल्यूशन प्लान लाके और उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या करते हैं रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो जब रिवाइव करते हैं और उस पर्टिकुलर कंपनी के या फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी के या सब्सिडरी के सब्सिडरी कंपनी के आपको अगर कोई शेयर मिल जाते हैं अनकोटेड शेयर मिल जाते हैं आपको तो वहां पर

2022. Sorry, 2000.

क्या बोलता है इसी साल आया ये अमेंडमेंट

तो अगर मान लो किसी भी पर्सन की कोविड से डेथ हो जाती है जब कोविड का जो क्लिनिकल ट्रायल उसका हुआ और वो पॉजिटिव पाया गया उससे सिक्स मंथ के अंदर अंदर डेथ होनी चाहिए और डेथ के बाद उसके घर वालों को लोगों ने हेल्प की तो क्वेश्चन ये आता है फैमिली मेंबर को जो भी पैसा मिला क्या वहां फिफ्टी सिक्स टू टेन लगेगा यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर फैमिली मेंबर को पैसा उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है उसके एम्प्लॉयर से मिला कितना भी अमाउंट एम्प्लय से मिला कितना भी अमाउंट इवन वन करोड़ टू करोड़ अगर 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 से मिला चीज तो अगर मान लो कोई ट्रीटमेंट के लिए किसी से कुछ पैसा मिला और आपने ट्रीटमेंट पे एक्चुअली स्पेंड कर दिया उतना है उस पर टैक्स नहीं लगेगा दूसरा किसी पर्सन की डेथ हो गई और डेथ के बाद फैमिली मेंबर को लोगों ने हेल्प किया और फैमिली मेंबर को पैसा मिलता है पैसा किससे मिलता है एम्प्लॉयर से मिला

या आपने लो कंसिडरेशन पे एक्वायर कर ली और आपने अगर आई में टैक्स भर दिया अंडर फिफ्टी सिक्स टू टेन ऑन द एस या फिर एफ तो एफ एम आपने अगर इनकम फ्रॉम अदर जाएगा जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे मान लो मेरी वाइफ ने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो मेरे हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और मैं उस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर में बेचता हूं तो कॉस्ट क्या लूंगा तो प्रीवियस ओनर पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से बट मान लो आपने मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो आप तो मेरे रिलेटिव तो नहीं हो, वो मिस्टर आईडी हटल, आई डी हटला आई टी सी में तो नहीं आते तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा उसकी एस डी बी पे आई एफ में टैक्स भरूंगा और उस एस डी बी मैंने आई एफ में टैक्स भर दिया तो इन फ्यूचर में जब भी मैं उस असेट को बेचूंगा तो भैया कॉस्ट क्या लेंगे वो एस डीबी जिसपे मैंने आई एफ में टैक्स भरा है और फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी डेट ऑफ गिफ्ट से ही लेंगे और अगर इंडेक्सेशन होता है तो वो भी आपका डेट ऑफ गिफ्ट से ही रहेगा फिर यहां पे प्रीवियस ओनर का कोई लेना देना नहीं है या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक असट है जो मैंने 50 लाख में खरीदा और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा फिफ्टी लैख तो मैंने खरीदने का दिया और एटी लैक का एसडीबी है यहाँ डिफरेंस फिफ्टी से ज्यादा और एसडीबी जो है वो कंसिडरेशन के वन से ज्यादा है तो डिफरेंस ऑफ थर्टी इज टेक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मी सो बीबी सर के हाथ में यहाँ थर्टी लैक टैक्सेबल हो गया तो एक बात बताइए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या बनेगी एटी बिकॉज फिफ्टी लैक आई ऑलरेडी पेड एंड ऑन थर्टी लैक आई ऑलरेडी पेड द टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सो यहाँ पे एटी लैख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी अब एक और चीज समझना एक और सेक्शन आती है दैट इज दी थ्री सी ए फोर्टी थ्री सी ए जस्ट अ रेप्लिका ऑफ सेक्शन फिफ्टी सी

और बिल्डर के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है स्टॉक इन ट्रेड है और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और एसडीबी आपके कंसिडरेशन के वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट से ज्यादा है तो फॉर द ऑफ कंप्यूटिंग द पीजीबीपी इनकम लेकिन अगर आप SDV से सेटिस्फाइड नहीं हो तो क्या यहां पर भी आपका केस ऑफिसर को जा सकता है आंसर इज यस जा सकता है अब एक और चीज समझना बेटा आपने पता है 50 सी में मैंने आपको यह बताया था कि एसडीवी कौन सी डेट की लेनी है एस डीबी में डेट की की लेनी है बट रजिस्ट्रेशन डेट और अग्रीमेंट की डेट अलग अलग है तो आप अग्रीमेंट की डेट का एसडीबी ले सकते हैं अगर अग्रीमेंट की डेट उससे पहले पहले आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल गया हो बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या ये पर्टिकुलर सिस्टम आपके यहाँ पे

भी ऑप्शन है कि नॉर्मली क्या होता है आप रजिस्ट्रेशन की डेट की लीजिए बट अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ अग्रीमेंट अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है अग्रीमेंट की डेट तक आपने कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है बाय अकाउंट पे ही चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट तो आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी ले सकते हैं तो इन सिंपल वर्ड बता दू फिफ्टी सी फोर्टी थ्री सी एंड फिफ्टी सिक्स टू टेन तीनों सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है अग्रीमेंट की डेट की एस लेने का बट अग्रीमेंट की डेट तक कुछ ना कुछ पेमेंट कर दिया है या रिसीव हो गया है बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम हियर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस भीम यूपीआई क्यूआर कोड उससे अगर पेमेंट किया है

शेयर इशू कर रही है प्रीमियम पे किसको रेजिडेंट शेयर होल्डर को और अगर इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है इशू प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है तो जितना भी डिफरेंस है ना वो डिफरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए आई में टैक्सेबल हो जाएगा जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हमारी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड अब मान लो हमारे शेयर का फेस वैल्यू है वो टेन रुपीज है लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे तो टू हंड्रेड रुपीज है और हमने ये शेयर इश्यू कितने पे किया पता इश्यू किया फाइव हंड्रेड रुपीज पे स्टार्टअप यही करेंगे ना 500 हंड्रेड पर इशू करेंगे तो भैया हमारी उस शेयर की औकात कितनी है टू हंड्रेड रुपीज बट वी आर इशूंग एट फाइव हंड्रेड रुपीजी पहली टेन वी आर इशूंगा तो लॉ मेकर मतलब तो जो आपका इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस दैट इज द थ्री हंड्रेड रुपीज डि बिटवीन फाइव हंड्रेड एंड टू हंड्रेड दट इज द थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड इज टैक्सेबल इन ऑफ बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर ये इनकम फ्रॉम

छोटे छोटे स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है मैं बता दूं कोई छोटे छोटे स्टार्टअप मतलब ऐसे स्टार्टअप जिनका टेन ईयर्स तक टर्न है वो हंड्रेड करोड़ के अंदर अंदर है पहली कंडीशन के उसका जो टेन ईयर्स तक टर्न है वो हंड्रेड करोड़ के अंदर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी सबसे पहली कंडीशन वो स्टार्टअप का पेडअप शेयर कैपिटल जो है इंक्लूडिंग द शेयर प्रीमियम है वो पच्चीस करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए मीन पेडअप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम है वो आपका ट्वेंटी करोड़ ज्यादा नहीं होना चाहिए उस स्टार्टअप का पेड अप शेयर कैपिटल एज वेल एज द लाइक इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट शुड बी अप टू 25 करोड़ रुपीज बट गाइज ट्वेंटीज की लिमिट देखते टाइम अगर कोई भी शेयर है वो नॉन रेजिडेंट को इशू किया है वो कंसिडर नहीं होगा एज वेल एज वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड को इशू किया है वो नहीं होगा ये कंसिडर या किसी स्पेसिफाइड कंपनी को इशू किया स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब होता है कि इंडिया की ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में एंड उस कंपनी की नेटवर्क जो है वो लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से या तो नेटवर्थ सौ करोड़ से ज्यादा है

यहां पे एक और कंडीशन है कि वो पर्टिकुलर स्टार्टअप है ना वो नेक्स्ट सेवन ईयर तक सेवन ईयर कहां से लेंगे जिस ईयर में शेयर इश्यू हुए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट सेवन ईयर सेवन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर इन विच शेयर आर इशू टू द रेजिडेंट शेयर होल्डर तो जिस ईयर में उन्होंने शेयर इशू किए उस ईयर के एंड से नेक्स्ट सेवन ईयर तक वो स्टार्टअप कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता लेकिन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लेट आउट का बिजनेस है या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचने का ही बिजनेस है तो वो स्टार्टअप खरीद सकता है दूसरा वो रेसिडें वो रेसिडेंशियल के साथ में कमर्शियल कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता

शेयर और सिक्योरिटी में स्टार्टअप इन्वेस्ट नहीं कर सकता एज वेल एज कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल एयरक्राफ्ट या यॉट नहीं खरीद सकता जिसकी वैल्यू टेन लेख से ज्यादा है So 10 लाख से ज्यादा वाला जो है वो मोटर व्हीकल वगैरह नहीं खरीद सकता अप 10 तक वो स्टार्टअप खरीद सकता है लेकिन अगर मान भी ज्वेलरी नहीं खरीद सकता बट ज्वेलरी का अगर एस अल्ड स्टॉक इन ट्रेड है तो ज्वेलरी खरीद सकता है वो स्टार्टअप कोई भी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर कलेक्शन लाइक या फिर आर्ट लाइक क्या बोलते हैं बुलियन है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता फॉर द सेवन ईयर तो सिंपल सी चीज मैं बताऊं देखो टू सेवन भी क्या बोलती है कि अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है पहली चीज तो ये अनलिस्टेड कंपनी पे लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी वो रेजिडेंट शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रहे हैं तो जो भी इशू प्राइस है माइनस फेयर मार्केट वैल्यू डिफरेंस है वो आई एफ में टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना ये सेक्शन कहां नहीं लगेगी एक तो छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्टअपे नहीं लगेगी छोटे छोटे स्टार्टअप का मतलब होता है कि इन कॉर्पोरेशन से लेकर और नेक्स्ट टेन ईयर तक उनका टर्न ओवर अप टू हंड्रेड करोड़ है उसके साथ में और कुछ कंडीशन है वो कंडीशन क्या है उसका पेडअप शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम को मिला के ट्वेंटी फाइव करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट वो next years तक ये ये असेट नहीं खरीदर्लट खरी खरी वो अगर स्टॉक एंड ट्रेड है तो चलेगा किसी में कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते किसी के शेयर एंड सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते मोटर वहीकल दस लाख से ज्यादा वाला नहीं खरीदते बट अगर मान लो रेंटिंग का बिजनेस है लीजिंग का बिजनेस फ्लाइंग का बिजनेस स्टॉक एंड ट्रेड है तो वो खरीद सकते हैं ज्वेलरी नहीं खरीद सकते बट ज्वेलरी का ही अगर स्टार्टअप है तो उस पर्टिकुलर केस में खरीद सकते समझना अगर मान लो अगले सेवन ईयर में ये सब नहीं कर सकते बट अगर वायलेशन हो गया तो क्या होगा तो जितना पहले टैक्स नहीं लगाता एंजल टैक्स वो जिस ईयर में वायलेशन होगा उस ईयर में टैक्स लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम बनेगी और उसके साथ साथ में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और और माना जाएगा ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाएगा अंडर सेक्शन टू करके चलिए डन सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट उसके बाद में एक पॉइंट आता है दैट इज द करके ये बोलता है कि अगर मान लो आपका कोई भी एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयमेंट का आपका टर्मिनेशन हो जाता है या मॉडिफिकेशन हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन

अब आपने क्या किया किसी कहीं से इंश्योरेंस करा दिया कि भैया मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए जॉब गई तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी अब जॉब से आपका निकाला गया इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दिया दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके बाद एक और चीज समझना सेक्शन 57 सेवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम निकालते टाइम कुछ खर्चों के डिडक्शन आपको मिलेंगे सर कौन कौन से खर्चों के डिडक्शन आपको यहां पे मिलते हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं बताऊँ अगर आपका कोई डिविडेंट या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड है तो एक चीज समझना उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होता सिर्फ एक खर्चा अलाउ होता है इंटरेस्ट का आपको डिविडेंड मिला या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड मिला उसके सामने एक ही खर्चा अलाउ होगा दैट इज द इंटरेस्ट का जो लोन लिया था इसमें इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपने लोन लिया था उस लोन का इंटरेस्ट अलाउ होता है बाकी कोई खर्चा अलाउ नहीं होता और वो इंटरेस्ट की भी लिमिट है कि डिविडेंड या इनकम फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड का जो इनकम है उसका अप टू तो ट्वेंटी तक वो इंटरेस्ट हो सकता है जैसे फॉर एन एक्जाम्पल मेरे को डिविडेंड मिला वो वन लाख मिला और मैंने इंटरेस्ट पे किया फोर्टी थाउजेंड पे किया तो क्या फोर्टी पूरा अलाउ हो जाएगा आंसर नो no, ओनली आपको कितना है वो ट्वेंटी थाउजेंड अलाउ होगा बिकॉज वन लैक इज इनकम एंड वन लैक का ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी थाउजेंड सो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर में यहां इंटरेस्ट है वो ट्वेंटी थाउजेंड अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना बाकी एक चीज ध्यान आप ध्यान रखना फैमिली पेंशन के केस में फैमिली पेंशन कितना टैक्सेबल होता है तो फैमिली पेंशन अगर मान लो किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है तो फैमिली पेंशन के केस में क्या होता है कि एक डिडक्शन मिलता है आपका वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पर एनएम विच एवर इज लोअर सो वन थर्ड ऑफ द फैमिली पेंशन और फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पर एनएम विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाता है और एक और चीज समझना अगर मान लो यहाँ पे फैमिली पेंशन मिल रहा है वो कोई भी पर्सन की अगर मान लो जैसे फोर एन एग्जाम्पल अपने जो सेना में जो मिलिट्री में जो काम करते हैं पढ़ रहे हैं बिकॉज वो लोग अपने को सुरक्षित फील कराते हैं तो वो अगर आर्म फोर्सेस के कोई भी एम्प्लॉय है या पैरामिलिट्री फोर्सेस के कोई एम्प्लॉय है और उनकी अगर मान लो वो शहीद हो जाते हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए और उनके घर वालों को कोई फैमिली पेंशन मिलता है तो वो पूरा एग्जेप्ट हो जाएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एज वेल एज एक और चीज समझता अगर कोई भी पर्सन है जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और उसको अगर परमवीर चक्र मिला था या फिर वीर चक्र मिला था या फिर महावीर चक्र मिला था

अदर एक्सपेंडिचर कोई भी अगर अदर सोर्सेज के एक्सपेंडिचर है अदर इनकम के सामने अगर आपके रीजनेबल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएंगे बट कुछ एक्सपेंडिचर अदर सोर्सेज में अलाउ नहीं होते जैसे आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा इंडिया के बाहर अगर आपने किसी को इंटरेस्ट पे किया या फिर इंडिया के बाहर कोई सैलरी पे किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो वो खर्चा अलाउ नहीं होगा या फिर इंडिया में रेजिडेंट पर्सन को अगर आपने कुछ भी पेमेंट किया टीडीएस नहीं काटा तो थर्टी खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा टेन से ज्यादा का आपने कैश में पेमेंट किया तो वो आपका डिसअलाउड हो जाता है ऐसा अपन पीजीबीपी में भी पढ़ेंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में यहाँ पे तीन केस लॉज दे रखे पहला वाला केस लॉ तो यू कैन स्किप मोवाल या भिखू भाई बाला भाई वाला स्किप कर सकते हो दूसरा एक केस केसलो है मंजू एंड कंपनी का 2011 केरला हाई कोर्ट का ये केस केसलो में ये 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 हुआ कि अगर मान लो जो बंदा था लॉटरी एजेंट था और लॉटरी एजेंट के पास में कोई अनसोल्ड अनसोल्ड टिकट टिकट पड़ा था और पे लॉटरी लग गई तो लॉटरी का विनिंग का इनकम है यू नो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट टॉपिक वन वन फाइव बीबी करके सेक्शन होती है उसमें थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होता है बट ये बोलता है कि सिंस इट वॉज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और उसी लॉटरी टिकट पर मुझे लॉटरी लगा है तो इट शुड बी टैक्सेबल एज पर स्लैबरेट बिकॉज बिजनेस इनकम इज टैक्सेबल एज पर स्लैबरेट

क्या ये गिफ्ट माना जाएगा और आपके लिए फिफ्टी सिक्स टू टेन में टैक्सेबल हो जाएगा आंसर इज नो no. यहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह है कि जब भी बोनस शेयर मिलते हैं तो आपके ओरिजिनल शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी अगर वन, तो वन इक्वल शेयर मिले तो नियरली क्या होगा कि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो आपकी आधी रह जाएगी तो यहां पे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा यहां पर कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहां पर कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो रहा तो इस केस में फिफ्टी सिक्स टू टेन नहीं लगेगा इसको आप एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगले टॉपिक पे जाते हैं दैट इज द अमलगमेशन एंड डीमर्जर अमलगमेशन किसको बोलते हैं या तो एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में जाके मर्ज हो जाती है दैट इज अमलगमेशन या फिर दो कंपनी आपस में मिलकर और कोई तीसरी कंपनी बनाते हैं दैट इज अमलगमेशन लेकिन अमलगमेशन को अमलगमेशन बोलने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ऑल अट एंड लाइबिलिटीज है वो अमलगमेटिंग कंपनी की वो अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर होनी चाहिए एंड दूसरी कंडीशन यह है कि अमलगमेटिंग कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उसमें से एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्डर वैल्यू बाय शेयर होल्डर सेवेंटी फाइव परसेंट वैल्यू बाय शेयर होल्डर है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो उस पर्टिकुलर केस में वो अमलगमेशन माना जाएगा अब एक बात समझना अमलगमेशन के केस में क्या होगा शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा तो मैं अगर शेयर होल्डर की बात करूं तो शेयर होल्डर को क्या होगा अमलगमेटिंग कंपनी के बदले उसको अमलगमेटेड कंपनी के शेयर मिलेंगे पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे तो जब वो पुरानी कंपनी के शेयर के बदले नई कंपनी के शेयर मिलेंगे वो ट्रांसफर नहीं माना जाता उस टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता

ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर से अब एक और चीज समझना जब भी अमलगमेशन होता है तो जो भी पीजीबीपी के लॉसेज है और अनएप्स ऑफ

ये एक सेगमेंट है तनिष्क ज्वेलरी वाला उसको अलग करके और एक नई कंपनी बना देते हैं तनिष्क लिमिटेड दैट इज कॉल योर डीमर्जर अब डीमर्जर के केस में क्या होता है जो पुरानी कंपनी है वो भी रहती है इन एक्जिस्टेंस तो उसको बोला जाता है डीमर्स कंपनी और जो न्यू कंपनी बन जाती है उसको बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी अब एक बात समझना डीमर्जर कब डीमर्जर माना जाएगा

कि ये जो न्यू कंपनी बनी ना तनिष्क लिमिटेड ये तनिष्क लिमिटेड क्या करेगी पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर इशू करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट तो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को ये न्यू कंपनी शेयर इशू करने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रपोशनेट बेसिस पे होना चाहिए प्रपोशनेट बेसिस मान लो फॉर एन एग्जाम्पल डिसाइडेड द प्रपोर्शन के फाइव इक्विटी शेयर आपके पास टाइटन के है तो आपको वन इक्विटी शेयर तनिष्क का मिलेगा तो अगर मान लो मेरे पास फिफ्टी थाउजेंड है तो मुझे टेन थाउजेंड मिलना चाहिए तो प्रपोशनेट बेसिस पे उसका क्या होना चाहिए शेयर इशू होने चाहिए रिजल्टिंग कंपनी के शेयर टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्सेंट वैल्यू शेयर होल्डर जो है टाइटन लिमिटेड के वो शेयर होल्डर बनने चाहिए एंड लास्ट कंडीशन बेसिस पे ट्रांसफर होना चाहिए ये गोइंग कंसर्न बेसिस ट्रांसफर होना चाहिए means going concern business, as a going concern ये होना चाहिए, तभी बेटा ये डीमर्जर माना जाएगा अब एक चीज समझना यहां पे ऊपर क्या बोला हुआ है कि भैया तनिष्क ज्वेलरी जो डिवीजन है इसके असैट ऑल अट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए और वो कौन सी वैल्यू पे होनी चाहिए बुक वैल्यू पे होनी चाहिए लेकिन आईसीडीएस के परपज के लिए नॉट आईसीडीएस बेसिकली आईसीपज के लिए अब इंडेस टू थाउजेंड फिफ्टीन रूल्स टू के एनेक्चर के हिसाब से बहुत बार क्या होता है असेट अदर वैल्यू पे ट्रांसफर होती है तो उस पर्टिकुलर केस में चलेगा अगर आपने इंडेस कंप्लाइंस करने के लिए अगर अदर वैल्यू पे असेट को ट्रांसफर किया है तो चलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अब एक बात समझना अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि देखो आप पहले टाइटन के शेयर होल्डर थे और अभी भी टाइटन के शेयर होल्डर तो हो ही हो अब आप ही का कंपनी टूट के एक नई कंपनी बन गया तनिष्क लिमिटेड अब आपको इस तनिष्क लिमिटेड के शेयर और मिल गए तो जब तनिष्क लिमिटेड के शेयर आपको मिल गए तो आपके हाथ में क्या होगा पहली चीज तो एक बात बताओ टाइटन का शेयर तो अपने पास अभी भी है

फॉर एन एक्साम्पल टाइटन के शेयर मैंने टेन ईयर्स अगो खरीदे थे इन द वन लाख रुपेज वन लाख रुपेज में खरीदे थे अब टाइटन करके जो कंपनी है उसी का एक सेगमेंट अलग होके एक अलग कंपनी बन गई और मान लो इसके के मुझे शेयर मिल गए टू हंड्रेड शेयर मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो टू हंड्रेड शेयर की कॉस्ट क्या होगी तो लॉमेकर्स बोलते हैं कि पहले आप एक काम करिए कि आपके पास डीमर्स कंपनी का जो शेयर है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है वन लाख है मल्टीप्लाई करिए कि ये जो डीमर्जर हुआ उसमें तनिष्क की, टाइटन की कितनी नेट असेट ट्रांसफर हुई है तनिश को फॉर एन एग्जाम्पल 200 करोड़ की असेट ट्रांसफर हुई है आउट ऑफ द टोटल नेटवर्थ ऑफ द 500 करोड़

श के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा अब क्वेश्चन आएगा टाइटन का शेयर तो स्टिल मेरे पास है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी तो वन लेख में से थाउजेंड को ठीक yes, है तो चलिए तो मैंने आपको क्या बताया कि शेयर होल्डर के हाथ में जो न्यू कंपनी का शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप एक काम करिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमर्स कंपनी पुरानी कंपनी जो है उसके शेयर की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी मल्टीप्लाई करिए नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ डीमर्ज कंपनी जस्ट बिफोर द डीमर्जर और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी आएगा दैट

डी मर्जर भी टैक्स फ्री है तो जब भी डीमर्स कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता और रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से और अगर इंडेक्सेशन होता है वो भी प्रीवियस ओनर से यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और मुझे लगता है इससे एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहां पे अमेंडमेंट है एक सेक्शन हुआ करती है नाइनटी फोर द बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन एक बात समझते हैं ये बोनस स्ट्रिपिंग सेक्शन क्या बोलती है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी का या तो कोई भी यूनिट खरीदते हो जैसे म्यूचुअल फंड यूटीआई की यूनिट खरीदते हो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट खरीदते हो या फिर किसी भी कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हो सिक्योरिटी में जैसे शेयर्स वगैरह खरीदते हो और वो शेयर्स वगैरह कब खरीद रहे हो बोनस मिलने के एग्जैक्टली exactly तीन महीने के पहले के अंदर अंदर मीनस ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है जब भी कोई कंपनी है या म्यूचुअल फंड है वो बोनस देते हैं तो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट होता है तो ये मान लो बोनस का एक रिकॉर्ड डेट है तो इस रिकॉर्ड डेट के एग्जैक्टली exactly थ्री मंथ के पहले के अंदर अंदर आप क्या करते हो सिक्योरिटी या यूनिट एक्वायर करते हो और यहां पे रिकॉर्ड डेट पे आपको बोनस यूनिट मिल जाती है या बोनस सिक्योरिटी बोनस शेयर मिल जाते हैं और आप क्या करते हो बताए इस रिकॉर्ड डेट से नेक्स्ट नाइन मंथ के अंदर अंदर नेक्स्ट नाइन मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो कि जो ओरिजिनल शेयर या यूनिट था ना उसको सेल कर देते हो और बोनस शेयर्स या बोनस सिक्योरिटी है उसको हेल्ड करते हो मीन उसको अपने पास में रखते हो अब एक बात बताओ जैसे ही बोनस मिल जाता है उसके बाद क्या होता है मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी तो ओरिजिनल को बेचने से आपको लॉस होगा मेकर्स बोलते हैं वो लॉस को हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे बट वो लॉस को हम क्या बना देंगे जितनी आपकी बोनस शेयर या यूनिट लेफ्ट आउट है ना उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे

रिकॉर्ड डेट जिस बोनस का मतलब इस दिन आपको या तो इस दिन जो होल्डर रहता है उसको बोनस शेयर या बोनस यूनिट मिलने वाला है ये बोनस का रिकॉर्ड डेट है इस रिकॉर्ड डेट के exactly पीछे के तीन के पहले के 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 एग्जैक्टली पीछे महीने पहले पहले अंदर 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 मंथ आप क्या करते हो ओरिजिनल शेयर्स या ओरिजिनल यूनिट्स एक्वायर करते हो और यहां पे आपको बोनस मिल जाता है और जैसे ही बोनस मिला रिकॉर्ड डेट से नाइन मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो ओरिजिनल वाला शेयर या यूनिट्स बेच देते हो ओरिजिनल वाला शेयर्स या यूनिट बेच देते हो एंड बोनस शेयर्स या बोनस यूनिट हेल्ड करते हो हेल्ड करते हो हेल्ड करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पे अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस को हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे और वो लॉस को हम क्या बना देंगे आपके बोनस यूनिट या बोनस शेयर जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना देंगे जो कि लेफ्ट ओवर है मतलब जितना बचा है उसकी उस कॉस्ट बना देंगे तो देखो मैंने क्या बोला ये आपकी रिकॉर्ड डेट है रिकॉर्ड डेट से एग्जैक्टली थ्री मंथ के अंदर अंदर आप क्या करते हो ओरिजिनल शेयर या करते हो. पे आपको मिलती है और के बाद के नाइन के अंदर -अंदर अगर आप या यूनिट हेल्ड करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में ओरिजिनल को बेचने पर जितना भी लॉस होगा वो तुम्हारे बोनस की क्या बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बन जाएगी मैंने इसके लिए सफिशियंट एग्जाम्पल दे रखे है अगर आप ये एग्जाम्पल चार सॉल्व कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा का आराम से उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास में एक डिबेंचर है और डिबेंचर पे मुझे पता है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो मैं क्या करूंगा 29 दिसंबर को वो बॉन्ड्स किसी को ट्रांसफर कर दूंगा इंटरेस्ट उसको मिल जाएगा करके ठीक है और उसके बाद दो दिन बाद वापस मैं खरीद लूंगा सेम रेट पे तो इंटरेस्ट इनकम उसकी इनकम बन जाएगी और मान लो उसको बेसिक एक्साम का बेनिफिट मिलता है कम रेट से टैक्स लगता है तो ये प्लानिंग हो जाएगी तो यहाँ पे लॉमेकर बोलते हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा प्रैक्टिस कर रहा है कि इंटरेस्ट डेट से पहले वो बॉन्ड्स या डिवेंचर को किसी को ट्रांसफर कर देता है इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वापस रीएक्वायर कर लेता है अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इंटरेस्ट जो मिला है ना उस पर्सन को वो उसके हाथ में टैक्सेबल ना करके और ट्रांसफर के हाथ

और इस इंटरेस्ट जब मिला इंटरेस्ट की जो रिकॉर्ड डेट है उसके थ्री मंथ के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी सेल कर देते हो या नाइन मंथ के अंदर अंदर आप यूनिट सेल कर देते हो और अगर वो सिक्योरिटी या यूनिट को सेल करने पे लॉस होता है तो वो लॉस इग्नोर करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट जितना इंटरेस्ट एक्ज हुआ था जितना इंटरेस्ट एग्जेप हुआ था उस हद तक वो आपका क्या करना पड़ेगा लॉस इग्नोर करना पड़ेगा मिस उसको आप सेट सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते है करके ठीक है चलिए ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो तो चलेगा नहीं रखोगे तो भी चलेगा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है एक टॉपिक आता है दैट इज द टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड सबसे पहले दो तरह की कंपनी होती है वन इज द इंडियन कंपनी एंड वन इज द फॉरन कंपनी इंडियन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है फॉरन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन सर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है तो मैं बता दू तो देखो ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो डोमेस्टिक कंपनी है लेकिन एक चीज ध्यान रखना फॉरन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी अगर फॉरन कंपनी मेड प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अगर फॉरेन कंपनी ने कोई प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया तो वो फॉरेन कंपनी है वो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी तो देखो मैं बोलूंगा ऑल इंडियन कंपनीज आर डोमेस्टिक कंपनी बट ऑल डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट इंडियन कंपनी बिकॉज फॉरन कंपनी कैन ऑलसो भी अगर उसने कुछ प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट किए हैं फॉर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया अब ये प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं तो प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट में उनको शेयर सर्टिफिकेट शेयर रजिस्टर इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा एजीएम इंडिया में मेंटेन करना पड़ेगा एजीएम इंडिया में होगा एंड ऑल तो बट ऐसा होता नहीं है करके ठीक है चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और मैं एक बात बताऊं अभी आज की डेट में आपको डिविडेंड जो मिलता है ना वो आपके लिए आई एफ ओ एस में टैक्सेबल होता है आई एफ ओ एस में टैक्सेबल हो जाता है सीधा आप डिविडेंड को आई एफ ओएस में टैक्सेबल कर दीजिए करके ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है सर अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी टैक्सेबल है आंसर इज यस अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट इज आल्सो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द रिसीवर एंड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला दैट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रिसीवर एज पर नॉर्मल टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है लेकिन एक चीज समझना आपको पता है लास्ट ईयर तक एक सेक्शन हुआ करती थी दैट सेक्शन नंबर वॉज वन वन करके उसमें यह लिखा होता था कि अगर कोई भी फॉरन कंपनी से इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है जिसमें वो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है तो वाज टैक्सेबल एट रेट 15%. एक वो हट गई है। बुक में कवर नहीं किया क्योंकि वो हटा दिया गया आप अभी अभी ध्यान रखिए डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है या फॉरन कंपनी से डिविडेंड मिलता है दैट टैक्सेबल एज पर नॉर्मल टैक्स रेट इन ऑफ द रिसीवर लेकिन क्वेश्चन टैक्सेबल कब होगा तो बेटा देखो डिविडेंड टैक्सेबिलिटी के लिए एक सेक्शन होती है सेक्शन एट करके और सेक्शन एट यह बोलती है कि अगर वो फाइनल डिविडेंट है तो फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल आपके हाथ में उस ईयर में होगा जिस ईयर में वो कंपनी उसको एजीएम में डिक्लेयर करती है मीन कंपनी एजीएम में डिक्लेयर करती है उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज अ फाइनल डिविडेंड देन इट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इन द ईयर इन विच कंपनी डिक्लेयर दैट डिविडेंड इन द एजीएम बट अगर वो डीम डिविडेंट है या इंट्रीम डिविडेंट है तो आप ये ध्यान रखना इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड और पेड सो बेसिकली मैं ये बोलूं देखो फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल इन ऑफ शेयर होल्डर इन ईयर इन विच एजीएम बट अगर मान लो deem dividend है, interim dividend है, जिस में आपको रिसीव होता है उस ईयर में आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा उसके आगे कॉन्सेप्ट आता है deem dividend. अब ये क्या क्या होता है? है तो deem dividend में बहुत सारी section है, 222 A, B, C, D and e करके। सबसे पहले अपन बात करते हैं की। A को ऐसे याद रखोगे नहीं, A for asset.

प्रिफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया बिकॉज़ इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता होल्डर को अगर बोनस शेयर दिया या फिर किसी भी शेयर होल्डर को आपने डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक डिपोजिट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए तो डीम डिविडेंट माना जाएगा टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं टू द एक्सटेंट अक्यूमलेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जैसे मान लो किसी शेयर होल्डर को डिबेंचर दिए वो ट्वेल्ल लेख के दिए बट कंपनी का अक्यूमिलटेड प्रॉफिट सेवन लैक ही है तो उसमें सेवन लैक ही डीम डिविडेंट माना जाएगा तो देखिए 222 a for asset, B4 bonus share to preference shareholder or

शेयर की फेस वैल्यू टेन रुपीज है और कंपनी क्या करती है टेन रुपीज को अगर एट रुपीज पे लाके और टू रुपीज शेयर होल्डर को वापस पे कर देती है टू होल्डर को दे देती है तो यहां पर शेयर

एबीसीडी और ई e में कुछ डिफरेंसेस है पहले वो डिफरेंसेस की मैं बात कर लू तो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं तो पहला डिफरेंस तो ये है कि देखिए 222 ट्वेंटी टू ए में हर जगह क्या लिखा हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड टू द एक्सटेंट एक्क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज और नॉट स अगर कोई भी कैपिटलाइज प्रॉफिट कर लिया है वो प्रॉफिट को भी कंसिडर करना पड़ेगा लेकिन टू ट्वेंटी टू ई में सिर्फ अक्यूमलेटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है यहां पर वर्ड कैपिटलाइज्ड और नॉट नहीं लिखा हुआ दूसरी चीज 222 ABCD जो है ना दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज बट 222 ट्वेंटी टू ई इज एप्लीकेबल ओनली टू द क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है यहाँ unlisted company है यहां पे अनलिस्टेड कंपनी करके ठीक चलिए अब अपन पढ़ते हैं 222 ट्वेंटी टू ई को टू ट्वेंटी टू ई क्या बोलती है आपका ध्यान इधर होना चाहिए टू ट्वेंटी टू ई ये बोलती है कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो क्या करती है अपने किसी शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांस दे देती है

और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने किसी शेयर होल्डर को लोन और एडवांस देती है जिसके पास टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर है तो उस पर्टिकुलर केस में वो लोन और एडवांस है वो डीम डिविडेंड माना जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंट एक्टेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अब एक और चीज समझना अगर लोन और एडवांस उस शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता लेकिन लोन और एडवांस किसी कंसन को दिया जाता है कंसन का मतलब होता है कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बी उसको दिया जाता है और उसमें उस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है सब्सेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है सबसे इंटरेस्ट में ट्वेंटी परसेंट और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और ट्वेंटी परसेंट और मोर का पी एस आर दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो अगर इस शेयर होल्डर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर कंसर्न में और उस कंसर्न को लोन और एडवांस दिया तो उस कंसर्न के हाथ में डीम डिविडेंड माना जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो ये लोन और एडवांस किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है लेकिन इस शेयर होल्डर के बिहार पे दिया जाता है या बेनिफिट के लिए दिया जाता है तो ये डीम डिविडेंड माना जाएगा इस शेयर होल्डर के हाथ में टू द एक्सटेंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज और नॉट यहां पे यूज नहीं हुआ है वेदर कैपिटलाइज और नॉट वर्ड यहां पे यूज नहीं हुआ है टू ट्वेंटी टू ई में सिर्फ एक्ूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है अब एक चीज समझना यहां पे मैंने क्या दे रखा है कि अगर आपने किसी कंसर्न को लोन दिया तो वो कंसर्न के हाथ में डीम डिविडेंट माना जाएगा लेकिन यहां पे व्यू व्यू और और आता है और और बोलता है बोलता कि यहां तीनों ही केस में अगर शेयर होल्डर को लोन दिया कंसर्न को दिया या एनी पर्सन को दिया यहां पे डीम डिविडेंट शेयर होल्डर के हाथ में ही माना जाएगा ऐसा एक कॉन्ट्राडिक्टी व्यू और आता है अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टेन परसेंट और मोर का वोटिंग पावर कब होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ द लोन

फिशियंट इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है इंटरेस्ट पे कर रहा है तो भी क्या डीम डिविडेंट माना जाएगा yes, तो भी है. एक बार अगर लोन दे दिया तो इट विल्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अब एक और चीज समझना यहां पर लॉमेकर्स ये बोलते हैं भैया यहां पर आपने लोन और एडवांस दिया तो डिम डिविडेंट माना जाएगा यहां एडवांस तो भी कवर है लेकिन एक एक्सेप्शन है कि यहां पे ट्रेड एडवांसेस कवर नहीं है ट्रेड एडवांसेस का मतलब होता है कि बहुत बार क्या होता है जैसे शेयर होल्डर है वो एडवांस ले, ले लेता है कुछ कंपनी के काम के लिए दैट इज कॉल्ड ट्रेड एडवांस तो ट्रेड एडवांसेज यहां पर कवर नहीं होंगे जैसे मैं दुबई गया और दुबई से मेरी कंपनी के लिए मेरे को कुछ कैमरा खरीदना था तो दिस इज कॉल्ड मैंने एडवांस लिया और उसी एडवांस से कैमरा कंपनी के लिए खरीद के आया तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा अब यहां पर एक और चीज समझना बेटा पांच चीजें ऐसी है जो आपका डिविडेंड नहीं माना जाएगा डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा सबसे पहली चीज ये कि अगर कोई भी है, उसका मनी लेंडिंग इज अब्सियल मनी लेंडिंग है, है, वो है में अगर कोई कंपनी लोन दे रही है तो वो डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा दूसरी चीज अगर मान लो कंपनी ने लोन दिया पहले वो डीम डिविडेंड दि, मान मान लिया गया टू ट्वेंटी टू ई में और उसके बाद में कंपनी क्या करती है एक्चुअल डिविडेंड देती है और एक्चुअल डिविडेंट को उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है एक्चुअल डिविडेंट जब दे रही है उस टाइम पे जो लोन है उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती है एक्चुअल डिविडेंट को

वो दोनों ही सेक्शन के केस में नहीं लगेगी एंड उसके बाद में अगर मान लो, जब टाइटन लिमिटेड के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इश्यू कर देती है तो वो तुम्हारा डिविडेंड डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा यू गॉट माई पॉइंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन एटीएम करके और एटीएम क्या बोलती है दैट इज द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड अब एक बात समझना अगर एक कंपनी है उसको किसी दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो पहले वो आई में टैक्सेबल होगा अब यार एक बात बताओ वो कंपनी ने उसी डिविडेंड में से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया तो वो शेयर होल्डर के हाथ में वापस टैक्सेबल हो जाएगा तो यहां तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना तो इसके लिए लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं ए एम करके एक डिडक्शन की सेक्शन है ये डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए है लेकिन इसको पढ़ते हम यहां पे ये यह सेक्शन बहुत ही सिंपल सी सेक्शन है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी पहली चीज दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द डोमेस्टिक कंपनी ये सेक्शन सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर डोमेस्टिक कंपनी को कोई भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है

वो आई एफ में टैक्सेबल हो गया वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा उसके बाद में उसमें से डिडक्शन मिलेगा एटीएम का और वो डिडक्शन कितना मिलेगा पता है जितना इनका डिविडेंट इनकम इस बार बना है एंड जितना डिविडेंट इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है टू द ड्यू डेट अप टू द ड्यू डेट और ड्यू डेट का मतलब होता है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट से एक्जैक्टली exactly एक महीना पहले दैट इज कॉल्ड अप टू द ड्यूडेट इन सिंपल वर्ड मैं ये बोल दू टैक्स ऑडिट की ड्यूडेट क्योंकि रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से एक महीने पहले टैक्स ऑडिट होती है ऑडिट होती है तो ऑडिट की ड्यूडेट तक जितना इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा कंपनी को जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं हमारी कंपनी है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड उनको किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड जो मिला फॉरेन कंपनी से मिला बिजनेस ट्रस्ट से मिला पहले हम आई में टैक्सेबल कर देंगे उसके बाद वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा अब डिडक्शन कितना मिलेगा पता है जितना डिविडेंड इनकम है

टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी उससे पहले डिविडेंड के साथ क्या होता था अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उसके बाद में कुछ केस लॉज़ है सबसे केसरमा मल्टीटेक लिमिटेड टू थाउजेंड एंड एटीन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज़। है इसमें क्या हुआ कि एक जो कंपनी है वो कंपनी बेसिकली शेयर इशू करने जा रही है और शेयर इशू करने जा रही है और उस केस में क्या हुआ कि पहले अभी तो आजकल तो क्या होता है कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो उसका जो पैसा कंपनी ले नहीं सकती आपको पता है वो पैसा ब्लॉक होता है सिर्फ आपके अकाउंट से जब आप आईपीओ लगाते हो तो पैसा ब्लॉक होता है जाता नहीं है बट पहले जाता था तो कंपनी को पैसा मिला और स्टेच्यूटरी लॉ का रिक्वायरमेंट था कि कंपनी को उसको सेपरेट अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा और जब भी शेयर का अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा जिन एप्लीकेशन को अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका रिफंड हो जाएगा और बाद में वो पैसा यूज कर सकते हैं तो कंपनी ने क्या एक अलग अकाउंट में उस पैसे को पाक कर दिया और वो पाक करने के बाद अब जब पैसे को अलग अकाउंट में पाक किया उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल गया अब कंपनी ने क्या किया उस इंटरेस्ट को जो भी शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर थे उसके सामने एडजस्ट कर लिया शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर के सामने एडजस्ट कर लिया लेकिन असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं ये जो इंटरेस्ट मिला है इट शुड बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो क्या यहां असेसिंग ऑफिसर सही है या कंपनी सही है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नो दैट इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बिकॉज यहां पर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया अगर इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका इंटरेस्ट आता है वो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है यहां पर तो वो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट थी लॉ का रिक्वायरमेंट था कि उस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा अलग अकाउंट में पार्क करना पड़ेगा इसके लिए उन्होंने अलग अकाउंट में पार्क किया और तो जो भी इंटरेस्ट आएगा दैट

वो डायरेक्टर का प्रीमाइसिस भाड़े पे लिया और भाड़े पे लिया और उसका रिपेयरिंग कराया

ज ऑफ दल्डर लोन फ्रॉम द बैंक बाय द कंपनी तो कंपनी को बैंक से लोन लेना था शेयर होल्डर को बोला तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी आर मॉर्गेज कर देना उसने मॉर्गेज कर दी और उसके लिए उसको कुछ एडवांस दिया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या यह डीम डिविडेंट माना जाएगा आंसर इज नो ये डीम डिविडेंट नहीं माना जाएगा उसके बाद टॉपिक नंबर नाइन इज रिलेटेड टू द लिक्विडेशन लिक्विडेशन के केस में सर क्या क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्स ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करना सबसे पहले इन हैंड्स ऑफ द कंपनी कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है लिक्विडेशन के केस में कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा लेकिन एक बात समझना कंपनी जब असेट ट्रांसफर करेगी शेयर होल्डर को तो क्या कंपनी का हाथ में ये ट्रांसफर माना जाएगा और क्या कंपनी को कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज नो ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन सिंपल वर्ड मैं बता दू कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है इन केस ऑफ द लिक्क्न शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा तो एक बात समझना एक तो हमने 222 सी सेक्शन पढ़ा था और 222 सी क्या बोलता है सी का मतलब होता है क्लोज डाउन ऑफ द कंपनी में कंपनी का क्लोज डाउन हो जाता है लिक्विडेशन हो जाता है और लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कोई भी कंपनी है वो शेयर होल्डर को असेट बांटती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिडेंट टू द एक्सटेंट एक्क्यूमलेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो पहले तो डी डिविडेंड माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर टू द देंट अक्यूमलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वेदर कैपिटलाइज नॉट एंड उसके बाद में यहां पे कैपिटल गेन भी लगेगा अगर शेयर होल्डर को कोई असैट मिलती है तो कैपिटल गेन भी लगेगा लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे कैपिटल गेन किस पे लग रहा है क्योंकि उसका शेयर जा रहा है ना शेयर होल्डर का शेयर की वैल्यू है वो रेलिंग हो गई वो एक्सटिंग्विश हो गई शेयर की आज कोई वैल्यू ही नहीं है है करके ठीक और लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को असेट मिलती है तो जिस ईयर में असेट मिलती है जिस ईयर में उसको पैसा मिलता है उस ईयर में शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा अब ये कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर को जो मनी मिला है वो आप ले लीजिए दूसरा शेयर होल्डर को जो असेट मिली है उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो असेट मिली है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए जो भी टोटल अमाउंट आएगा उस टोटल अमाउंट में से जितना ऑलरेडी डीम डिविडेंड टू टू सी में माना जा चुका है

यहां पे ये कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है जिस ईयर में शेयर होल्डर को असेट मिलती है शेयर होल्डर को पैसा मिलता है उस ईयर में ये कैपिटल गेन लगेगा लेकिन एक बात समझना है यहां पे शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहां से कहां तक लोगे पता है जब शेयर खरीदा था तब से लेकर और कंपनी लिक्विडेशन में गई उस डेट तक का ही पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे

कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस कंपाइलर से सीधा क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए वो रघु वाला क्वेश्चन है वो अगर आप देखोगे तो आपका ये टॉपिक फटाफट हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ द शेयर्स अब एक बात समझना बायबैक के केस में क्या होगा तो दो चीजें सबसे पहली चीज ये कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा और अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉरेन कंपनी के केस में मीन अदर देन डोमेस्टिक कंपनी अदर देन द शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी को छोड़ दो तो बच गया फॉरन कंपनी तो फॉरन कंपनी अगर अपने शेयर को बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा कैपिटल गेन कैसे लगेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बायबैक प्राइस आ जाएगा आपका करके ठीक है और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो शेयर का था वो लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन बच जाएगा लेकिन बेटा एग्जाम में ये नहीं आने वाला एग्जाम में आने वाला है कि अगर मान लो कोई भी डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा डोमेस्टिक कंपनी वेदर वो शेयर आपका लिस्टेड शेयर है या अनलिस्टेड शेयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट अगर डोमेस्टिक कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो क्या होगा तो डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो उस पर्टिकुलर केस में लॉ मेकर्स यह बोलते हैं कि जो भी बायबैक प्राइस होगा माइनस इश्यू प्राइस इसका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे इस डोमेस्टिक कंपनी को 23.296 परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो जो भी बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस जो डिफरेंस रहेगा ऑन दैट डिफरेंस कंपनी विल पे द टैक्स एट द रेट ट्वेंटी परसेंट प्लस ट्वेल्वेंट सर ऑलवेज फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑलवेज मीन इफेक्टिवली ट्वेंटी थ्री रेट से उस डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बायबैक बायबैक जिस दिन हुआ उससे फोर्टीन डेज के अंदर अंदर यह टैक्स पे करना पड़ेगा का. अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या कैपिटल गेन लगेगा नहीं शेयर होल्डर के हाथ में एक्जेम्ट हो जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा ड्यू टू सेक्शन टेन थर्टी फोर ए अब एक और चीज़ समझना

भी रूल में बहुत सारे सब रूल है उसमें एक एक चीज है वो ओपन समझते हैं बड़ा सिंपल सिंपल है तो देखिए सबसे पहले अगर कोई कंपनी है उसने शेयर इशू किया था और लोगों ने सब्सक्राइब किया था तो उस पर्टिकुलर केस में इशू प्राइस कितना लिया जाएगा जितना कंपनी को पैसा मिला था इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम जैसे फॉर एन एग्जांपल एक शेयर है उसका फेस वैल्यू जो था दैट फेस वैल्यू वाज टेन एंड उसको इशू किया था सेवेंटी रुपीज पे इशू प्राइस सेवेंटी था बिकॉज क्योंकि उसमें आपका प्रीमियम है वो सिक्सटी था तो यहाँ पे इशू प्राइस कितना लिया जाएगा सेवेंटी लिया जाएगा कितना लिया जाएगा सेवेंटी लिया जाएगा अब एक और चीज समझना लेकिन अगर मान लो कंपनी ने पहले शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर लिया है एन एग्जाम्पल अभी बायबैक से पहले भी अगर मान लो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर दिया है तो जितना रिटर्न कर दिया है वो आप इश्यू प्राइस में से लेस कर दीजिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर सेवेंटी रुपीज प्राइस था बट पहले ऑलरेडी सपोज फाइव रुपीज शेयर होल्डर को रिटर्न दिया था तो अभी इशू प्राइस कितना 65 बचा तो 65 फाइव विल बी ट्रीटेड एस द इशू प्राइस करके ठीक है चलिए उसके बाद में सब रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि अगर आपको कोई ईसॉप e में शेयर मिलता है तो उसका इश्यू प्राइस क्या होगा तो ईसॉप e में शेयर मिलता है उसका इश्यू प्राइस होगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर

सेम ही आने वाले हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कंपनी के लिए आप कंपनी के परस्पेक्टिव से दु, 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 समझ रहे हैं क्योंकि कंपनी को टैक्स पढ़ना है ऑन द बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस पे तो इशू प्राइस क्या होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर तो ईशो के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी ट्रीटेड एज इशू प्राइस अब एक और चीज समझना अगर अमल में अगर एक पुरानी कंपनी है वो नई कंपनी में मर्ज हो जाती है अब नई कंपनी है वो शेयर इशू करती है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को तो सर इसमें इश्यू प्राइस कैसे निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है कि पुरानी कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो पुरानी कंपनी को कितना पैसा मिला था तो पुरानी कंपनी को जितना पैसा मिला था डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है डिवाइड कर दीजिए नई कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है तो आपको पर शेयर का इशू प्राइस मिल जाएगा अगर डीमर्जर हुआ तो जैसे डी मर्जर के केस में अपन एग्जाम्पल लेते हैं वो टाइटन एंड तनिष्का तो टाइटन ने फॉर एन एग्जाम्पल पहले शेयर इशू किए थे वन लैक शेयर और उसका उनको हंड्रेड रुपीज के हिसाब से सपोज फॉर एन एग्जाम्पल वन करोड़ मिला था अब टाइटन का डी मर्जर हो गया तनिष्क अलग कंपनी बन गई अब तनिष्क लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू कर रही है टाइटन के शेयर होल्डर को ही करेगी ना तनिष्क लिमिटेड टाइटन के शेयर होल्डर को फ्री ऑफ शेयर इशू कर दिया टाइटन के शेयर होल्डर को जो तनिष्क लिमिटेड ने शेयर इशू किया तो तनिष्क लिमिटेड के जो शेयर है उसका इशू प्राइस क्या आएगा मिस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इश्यू तो फॉर्मूला दिया फॉर्मूला क्या है आप एक काम करिए कि पुरानी कंपनी जो है टाइटन टाइटन ने जब शेयर इश्यू किया था तो कितना है वो जो अमाउंट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द रिजल्टिंग कंपनी ये आएगा आपके रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस तो क्वेश्चन अब बचा के सर डीमर्स कंपनी जो है उसके शेयर का इश्यू प्राइस अब क्या बचेगा तो डीमर्स कंपनी ने जब पहले शेयर इशू किए थे तो उसको कितना पैसा मिला था वो अमाउंट लीजिए माइनस रिजल्टिंग कंपनी के शेयर का इशू प्राइस कितना आया वो लेस कर दीजिए जो बचेगा वो तुम्हारे डीमर्स कंपनी के शेयर का इशू प्राइस बच जाएगा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना अगर मान लो बहुत बार शेयर इशू किया जाता है किसी असेट को असेट के बदले जैसे असेट आ रही है और शेयर इशू हो रही है या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर इशू किया जाता है तो उसका इशू प्राइस लेना है आपको ध्यान रखना है एफ एम वी ऑफ द असैट और लाइबिलिटी एफ एम वी ऑफ द असेट और लाइबिलिटी जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है या जो लाइबिलिटी आप सेटल कर रहे हो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है वो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपका इशू प्राइस माना जाएगा अब एक और चीज समझना एक और कॉन्सेप्ट डिबेंचर इशू किया था और डिबेंचर कन्वर्ट होकर उसके बदले शेयर अभी दे रहे हैं या फिर आपने सुना होगा पहले बॉन्ड्स इशू हुआ था बॉन्ड्स का कन्वर्जन होकर तो होगा तो बड़ा सिंपल है कि आप एक काम करिए सबसे पहले कि भैया वो जो पुराना वाला तुम्हारा डिबेंचर था या जो पुराना वाला बॉन्ड्स था पुराना वाला जो इंस्ट्रूमेंट था यू कैन से दैट करके ये वाला ये मैं दवा पॉइंट अभी बता रहा हूं कि पुराना वाला डिबेंचर था पुराना वाला जो बॉन्ड्स था उसको इशू किया था तो कितना पैसा मिला था कंपनी को वो पैसा टोटल ले लीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए अब कितने शेयर इशू कर रहे हैं तो वो एक शेयर का इश्यू प्राइस आ जाएगा अब एक और चीज समझना बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी का इश्यू प्राइस क्या लिया जाएगा निल बोनस शेयर का इश्यू प्राइस है वो नील लिया जाएगा और अगर मान लो यहां पर आपका

पार्टनरशिप फर्म का कन्वर्जन हो जाता है कंपनी में या फिर प्रोप्राइटरी कंपनी में ऐसा मैंने कैपिटल गेन में बताया था सक्सेशन वाला सेक्शन 47 में यू नो दैट तो कैपिटल गेन नहीं लगता तो प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फर्म है अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करेगी तो उसका इश्यू प्राइस कैसे लिया जाएगा तो उसका इश्यू प्राइस लेने के लिए आपको क्या करना है असेट माइनस लाइविलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए उस कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स जो प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म का जो बैलेंस शीट था जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन अट्स की बुक वैल्यू ले लीजिए ठीक है बट ध्यान रखना है कि असेट्स में आपका जो भी आपका टीडीएस टीसीएस टैक्स है वो आपको नहीं लेना एज वेल एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपको नहीं लेना और लाइबिलिट है वो लाइबिलिटी भी आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए बट लाइबिलिटीजीजीजीजीज में एक चीज ध्यान रखना है आपको रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है उसके साथ साथ में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है अन असरटेन लाइबिलिटी एज वेल एज द कंटीज एंड लाइबिलिटी है वो आपको नहीं लेना है बाकी लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेनी है तो असेट भी बुक वैल्यू पे लाइबिलिटी भी बुक वैल्यू पे अट माइनस लाइबिलिटी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं वो आपका इशू प्राइस आ जाएगा यहां पर मैं बता दू मैंने सबके लिए एक्जाम्पल दे रखे हैं तो इसको रीड करने के बाद अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इश्यू प्राइस कौन से केसेस में कैसे कैसे निकाला गया है आपको इजीली समझ में आ जाएगा करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे जहां पे अपन वेरियस एंटिटी पे चलेंगे तो टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है उसके साथ साथ में आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट है उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है उसके साथ में आपका टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट है आई थिंक राइट इसके बाद टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा यस yes. तो ये अगले वाले रिविजन लेक्चर में हम ट्रस्ट टॉपिक है एक्रिएटेड इनकम तक है वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे करके ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है बाकी हर बार जैसे मैं बोलता हूँ एग्जाम्स है वो पास है और फटाफट फटाफट पढ़ने लग जाओ और चीज़ों को लाइक बड़ा चैलेंजिंग बनाना चालू करो आप जो भी आपके बिकॉज क्या होता है हर किसी का माहौल एक जैसा नहीं होता मेरे को कल परसों कोई बोल रहा था किसी का फोन आया सर पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि उधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए बार बार ध्यान इधर चला जाता है ऐसा नहीं करना है बहुत सारी ऐसी ऑड सिचुएशंस रहेगी जहां पे आपको लगेगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना फिर अपने को आपको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं है। कि चलो क्या फर्क पड़ता है करके नहीं पढ़ते हैं लाइट नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे आज करके ऐसा नहीं होता है आपके पास में बहुत सारे अदर साधन अवेलेबल है जिसको देख के और जिससे आप पढ़ सकते हो तो आपके हाथ में आपको क्या करना है बिकॉज क्या होता है ना इंसान जब मैं छोटा था तो क्या होता था कि अगर लाइट चली जाती थी तो थोड़ा अपने आप में खुशी होती थी अरे पढ़ना नहीं पड़ रहा लाइट गई है ना क्या फरक बहाना है अपने पास में कुछ ना कुछ अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए कोई चीजें है किसी ना किसी चीज को ब्लेम करने के लिए अपने पास है करके ठीक है वैसा नहीं करना है वैसा नहीं करना है जितना टाइम आपको मिलता है जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है बिकॉज हर किसी के पास एक जैसे रिसोर्सेज नहीं होते बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है करके ठीक है उसको तो लाइब्रेरी में मिलती है फैसिलिटी लाइब्रेरी जाता है इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लेता है ऐसा कुछ नहीं होता है मैंने आज तक तो जिंदगी में लाइब्रेरी नहीं गया एक बार लाइब्रेरी जरूर गया था उसके बाद वापस नहीं गया क्योंकि वहाँ देखा तो वहाँ तो लोग सब टाइम पास कर रहे हैं करके ठीक है किसी एक को जाना है वहाँ पे चाय पीने के लिए पंद्रह लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए एक घंटे बाद आते हैं एक दो दिन लाइब्रेरी गया तीसरे दिन मैंने सोचा भैया हमसे यहाँ पढ़ाई ना हो पाए हमसे तो घर पे ही पढ़ाई होएगी तो घर पे ही फिर पढ़ना चालू किया अपने आप को अलग से आइसोलेट कर लिया किसी रूम में और उसके साथ में पढ़ना चालू किया करके ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा अपने आप को पुश करो मोटिवेट करो एवरी डे ट्राई करो थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट होता जाए खुश रहा करो मॉर्निंग में उठ के जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट होने चाहिए इवनिंग तक और अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरे दिन कंप्लीट होने चाहिए करके ठीक है और अपने आप को ऐसा डालो ना कि वो टारगेट्स जो आपने सेट किए वो कंप्लीट हो एक बार अगर मान लो नहीं होता है तो डोंट अगला दिन उस पर मत डालो अगले दिन वापस दूसरा टारगेट है वो कंप्लीट करो फिर आपको अंदर से दुख होने लग जाएगा यार कंप्लीट नहीं हुआ था पहले वाला टारगेट ठीक है तो भैया अगला टारगेट आप पूरा सीरियसली लोगे और उसको 100 परसेंट आप कंप्लीट करोगे चलो आज के लिए इतना बहुत है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर